अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही ठीक हूँ, आपकी दुआ है। आज हम जा रहे हैं जू बीच, तो सोचा आप लोगों से शेयर करते चले। तो बस हम निकल रहे हैं, और मतलब निकल ही चुके हैं, और बस पहुँचेंगे कुछ ही देर में, फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच कर। In life that has meaning, are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. चलिए हम पहुंच गए हैं जू बीच। जैसे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है बाबा, और मैं काफी सालों बाद आई हूँ तो कुछ मुझे ज्यादा ही भीड़ लग रही है। अजान ने एक मिनट बैठने नहीं दिया, पहले बोला पानी में ले चलो, तो हम पहले पानी में गए। अजान यू कैन सिट, अजान बैठ सकते हो तुम। माशाल्लाह अजहान बहुत एंजॉय कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। आगे लेके जा रहे हैं, अजान को आगे जाना है। Come on guys, चलो। अरे चलो ना अभी अजान, हाफ एन आवर हो गया। अजान आप रेडी हो गए? कैसा लग रहा है पानी में जाके, कैसा लगा आपको? हाँ क्या पानी? वेलकम बेटा, लेकिन थैंक यू किसके लिए? क्या हाँ, बिकॉज यहाँ आप कर सकते हो, घर में ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ आप डिग कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट है, दीजिए ना, गीली मूंगफली, आई जस्ट लव इट। कैसी लग रही है आपको? आई लाइक सूखी ज्यादा, गीली भी अच्छी है, सिंगाड़े की तरह लग रही है, लेकिन मेरी फेवरेट ये गीली है। दो चाय लूं कि तीन चाय लूं? आई थिंक दो बस हो जाएगी ना। कहाँ गया दो चाय वाला, कहाँ चला गया? अच्छा, वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डाला था कि मुझे, मैं जू बीच जा रही हूँ, और आप लोगों की क्या सजेशंस है खाने के लिए, खाने रिलेटेड, और काफ़ी लोगों का मैसेज आया माशाल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और कुछ मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, सारे तो नहीं ट्राई कर सकूँगी, लेकिन कुछ ज़रूर ट्राई करूँगी, और नाम भी लूँगी कि मैंने किस वाले का ट्राई किया है, और चलिए मैं जाके लेके आती हूँ फ़ौरन। बहुत से लोगों ने कहा भाजी पाव ज़रूर खाइएगा, तो मैं यहाँ भाजी पाव लेने आई हूँ, बट मैं 150 रुपीज़ लेके आई थी, और 150 में सिर्फ प्लेन पाव भाजी आएगी, तो मैं अब वापस जा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये में नहीं होगा काम, नहीं 100 रुपये में हो जाएगा, 150 में भी नहीं हुआ।
मैं उशिया ले गई थी 150, कुछ भी नहीं मिला। 200-250 से तो शुरू हो रहा है उनका, और सबसे सस्ता जो था वो मुझे चाहिए नहीं था, प्लेन भाजी पाव कुछ भी नहीं उसमें डाला हुआ, वो 140 या 150 का था। मैं बोली भाई मैं पैसे लेके आती हूँ, मुझे लगा आ जाएगा। अब वापस जाने में मुझे बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बराबर में ये मसाला चाट वाले हैं, चना चाट वाले, तो इसका मैं पहले ऑर्डर कर देती हूँ, फिर बाद में, क्योंकि हम तो काफ़ी देर तक यहाँ बैठने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तो हमें, तो अभी तो शुरुआत हुई है खाने पीने की। तो मैंने कहा पहले ये ले लेती हूँ इनसे और उसके बाद लूँगी वहाँ जाकर। तो ये बन गया मेरा मसाला चना चाट। कैसा है? मेरा फेवरेट है ये। इस इनफैक्ट इसकी रेसिपी यहाँ से इंस्पायर होके ही मैंने मेरे चैनल पर डाली, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मसाला चना चाट, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है घर पे। कॉटन कैंडी मुझे 10 रुपए में मिली है। अरे वाह, कम ही पैसे दिए। अरे कोई बात नहीं, खा लो ना तुम। आधा तो कल दिया, कैसा लग रहा है? दरिया किनारे बैठे बैठे इतना मजा आ रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो चना चोर गरम वाले को 10-15 मिनट के बाद अरफात ने बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया कि चना चोर गरम दीजिए। वैसे ये भी मेरा फेवरेट है, आप कहेंगे मेरी कितनी चीज फेवरेट है। अच्छा, घर से मैंने एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक की थैली लेके आई थी सो दैट मैं उसके अंदर डाल सकूँ सारा कचरा। और ये आप देख सकते हैं कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है। हाँ, हमारे YouTube फैमिली में से किसी ने मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि पैराग्लाइडिंग कीजिएगा। वैसे पैराग्लाइडिंग मुझे लगा तो होती नहीं है, बट है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो आई थिंक नाम था उनका मूब, आई डोंट नो द फुल नेम, बट उनका नाम मूब था। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इंक्वायरी कराऊंगी और जाऊंगी पैराग्लाइडिंग के लिए। कुछ देर बाद मैं फाइनली उठी हूँ पाव भाजी लेने के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने पाव भाजी सजेस्ट किया है और काला खट्टा ड्रिंक सजेस्ट किया है। कौन सी वाली पाव भाजी है? स्पेशल पाव भाजी, चेन, डबल चीज पाव भाजी, एक चीज पाव भाजी दो। अच्छा, पहले जो मैं 150 रुपीस लेके गई थी ना, वो मैं मसाला पाव भाजी के लिए नहीं लेके गई थी, मैं मसाला चीज पाव के लिए लेके गई थी, जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था, आमना ने। लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम खा लूंगी, अभी मैं चीज पाव भाजी ट्राई कर रही हूँ। तो ये इसके ऊपर डाल रही हूँ नींबू का रस, डालिए, जोड़िए और मजेदार सा एक बाइट बनाइए, बड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कुछ खास नहीं किया है, चीज़ ऊपर से डाल दी है, कोई स्पेशली अलग से चीज़ के साथ कुछ नहीं किया है, बट तब भी अच्छी लग रही है, वेरी नाइस। हम यहाँ हैं और पानी कितना नज़दीक है। कैसा लग रहा है अरफात? ओके ओके ना।
अजान को जो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो उसे मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है, उसे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसमें, तो मैं अभी उसे खिला रही हूँ। और ये अभी वो जो होते ना, क्या बोलते हैं, बबल्स, उसे पकड़ रहा है। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है बच्चों को इस तरीके से देखने का। एक पॉइंट पॉइंट कौन दे रहे हैं, देखो पॉइंट कहाँ दे रही हूँ मैं, देखो देखो आप जाके लेके आओ ना। अरे लेके आओ ना भाई, आप लेके आओ ना, जाओ। अरे कितनी भीड़ है वहाँ पे, यहाँ पे खाते हैं ना, सी व्यू के हिसाब से सी व्यू है यहाँ। सी व्यू क्या फ्लैट ले रहे हो यहाँ? अरे मैं अभी दो तीन लेके, अभी आप लेके आओ। अरे जॉगिंग हो जाएगी, जॉगिंग मैंने कर ली, जॉगिंग उससे कैलोरी बर्न होंगी, कैलोरी जाओ। अच्छा तुम जाके लेके आओ, कैलोरी बर्न होंगी, चलो लेके आ जाओ। अजन जा रहा है, ये तो बस चांस पे डांस मार रहे। मामा आपका बड़ा मेरा फोन है iPhone 100। अच्छा उसको बोलना पिस्ता भी होनी चाहिए और मैंगो भी होनी चाहिए और आप मलाई भी डाल के लाना। ये मेरी फेवरेट है कुल्फी, मैंगो वाली, और ये है मेरी फेवरेट पिस्ता। आज का जो बेस्ट था वो यही था, बहुत अच्छी है ना, आज की सबसे बेस्ट चीज थी वो यही थी, है ना। तो चलिए अब हम हमारा झोला उठाते हैं और ये कचरे का है, पहले मैं ये फेंक दूंगी। और अजहान को बबल्स चाहिए था और उसे आ नहीं रहा था, तो मैं उसे बता रही हूँ बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बनना पड़ता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, गोल्ड कलर का, ये सारी चीज़ें कितनी डेलिकेट है माशाल्लाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है। अच्छा अब समय आ गया था काला खट्टा लेने का, मुझे तो चॉकलेट वाला लेना था जैसे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, बट काला खट्टा तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था, तो फिर हमने एक काला खट्टा ले लिया। आज अभी अजान स्टार्ट करेगा। अजान बताओ कैसा लग रहा है? मुझे तो चॉकलेट वाला लेना था बट अरफात को और अजान के लिए काला खट्टा चाहिए था। केशा है? अरे वाह, बहुत ही मस्त। आज का मैच था हमारा क्या, कुल्फी और ये गोला। अब मुझे ना लास्ट में पान भी खाना था मीठा वाला, तो मैंने पान भी लिया। वैसे अरफात नहीं खाते और अजान तो बच्चा है, तो मैंने खाया, बहुत मज़ा आया मुझे। उतना कुछ खास टेस्टी नहीं था बट इतना दूर आया तो इतना खाना तो बनता है, क्या बोलते हो। तो बस ये लास्ट आखिरी खाना था मेरा आज का। तो ये था आज का व्लॉग, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा और आपको भी और मुझे मजा भी आया ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जो मैंने दूसरे व्लॉग में बोला था ना कि मजा आया, उससे भी मजा आया, उससे भी ज्यादा मजा आया। हाँ मुझे भी उससे भी ज्यादा मजा आया। अरफात आपको क्या लगा? हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। सो हम सबको तो बहुत मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया हो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।